हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और छत पे आ गई हूँ और ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रही हूँ। तो एक्चुअली ना बहुत दिनों से मौसम ऐसा हो रहा था ना जैसे झट से गर्मी आ गई होगी, मतलब ना कब से बारिश है ना कुछ ना कुछ, एकदम से गर्मी सी लगने लग गई थी, फ़ैन भी चलने लग गए थे। तो आज का वेदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उससे आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि हाँ थोड़ा तो मौसम ठंडा हुआ होगा। तो आप पहले आज का वेदर देख लीजिए। ये देखिए कैसा वेदर है, एकदम क्लाउडी सा है। मतलब क्लाउडी तो बीच में भी हो रहा था, काफ़ी दिनों मतलब पहले हुआ था, बीच में लग रहा था कि कितनी तेज़ बारिश। तो गांव में हो रही थी बहुत जगह बारिश, तो मौसम का ना फ़र्क पड़ जाता है इधर उधर। जब गांव में ठंडक होती है तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब है। तो दोस्तों मैं आई हूँ फ़िलहाल छत पर चाय पीने के लिए, और पता है वो भी चाय किस चीज़ की पी रही हूँ, चीनी की नहीं पी रही हूँ, गुड़ की पी रही हूँ। तो क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी आ जाएगी ना, तो गर्मी के मौसम में फिर गुड़ की चाय अच्छी नहीं लगती है। तो आज मौसम थोड़ा लग रहा था कि गुड़ की चाय पीने लायक हो रहा है करके, तो मैं पीती हूँ फिलहाल चाय और फिर मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। भाभी क्या कर रही हैं? भाभी पौधों की सिंचाई कर रही हैं और उनके धनिया का बीज हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा धनिया ना, जो ये वाइट वाइट सा दिख रहा है आप लोगों को, ये धनिया बीज बन गया है। तो मैंने भाभी से पूछा था कि अगर वो धनिया का बीज बेचते हैं तो उनके ग्राहक हम भी हैं, लेकिन भाभी ने बोला कि वो उन्हीं के खाने के लिए सफिशिएंट होता है बस। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब भाभी ने शायद राजमा बो दिए जो मुझे लग रहा है, इधर लगी हुई हूँ कुछ। तो दोस्तों चाय भी पी चुके हैं और शादी में चाय की क्या अहमियत होती है वो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। मतलब इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली सर्दी नहीं पड़ रही है, बट सर्दी तो है ना, ठंड है। और वैभव गया हुआ है घूमने, पहले भैया के साथ गया, अंकल चलो कह के भैया के साथ घूमाया था। फिर मैंने देखा अचानक से भैया तो नीचे आ गए हैं, तो मैंने भैया से पूछा भैया वैभव कहाँ है, तो कह रहे हैं कि वो फिर आंटियों के साथ भी चला गया वापस घूमने। आंटियाँ रास्ते में मिली होंगी तो उनके साथ भी, मतलब उसकी ना सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। खैर अच्छा ही नेचर है, बड़े छोटे सब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ वैभव मतलब फ्रेंडशिप कर लेता है जल्दी से। और ये जो मेरे पीछे कपड़े सूख रहे हैं दोस्तों, इनका क्या बताऊँ, ये धुले हैं कल शाम के, नो, ये धुले हुए हैं परसों शाम के, और कल दिन में इनको डाला था। सुबह तो निहारिका भूल गई थी इनको बाहर सुखाना, फिर दिन में जब मैं स्कूल से आई थी उसके बाद उसने डाला, तो शाम तक सूखे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, आज मैंने फिर निहारिका को बोला कि निहारिका और उन कपड़ों को वापस से बाहर डाल देना और ध्यान देना कहीं बारिश ना हो जाए, वरना सूखे सुखाए कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। तो निहारिका कह रही है मौसी मैंने एक बार ही डाले, हल्की बूंदें गिर रही थी, मैं वापस छत पे आई, फिर मैंने इनको उठा के साइड रखा, फिर थोड़ा धूप आने लग गई थी, मैंने इनको फिर से बाहर रख दिया। तो इन कपड़ों की ये कहानी है क्या। अब खैर मैं उठा के ही ले जाऊँगी इनको, अब सूख चुके हैं। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग भी बता दें, मतलब कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, हमें तो कमेंट्स के जरिए बता सकते हो आप। दोस्तों मैंने ढेर सारे कपड़े धो दिए हैं क्योंकि सुबह से डिप किए हुए थे, और आज निहारिका और वैभव ने पूरा घर सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह बोल करके गई थी कल संडे है, कल वैसे मेरे पास टाइम है घर सेट करने का, बट मैंने कहा कि तुम दोनों आज कर देना, दोनों घर ही पे हो, तो घर सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, तो वो मैंने सुबह ही डिप कर दी थी, तो अभी मैंने अच्छे से वो वॉश कर दी हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर भाभियों के साथ बैठ करके आ गई हूँ, और अब अपनी डेली की शाम की ड्यूटी निभानी है मुझे, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स किचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही हूँ। एक्चुअली हमारे ना कुछ पुराने कपड़े बचे, पुराने कपड़े थे, बचे हुए क्या थे, पुराने कपड़े थे। तो शेखर ने कहा कि क्यों ना इनकी दरी बना दी जाए, तो हमने दरी नहीं बनाई, हमने बनवाई है कालीन, क्योंकि हमारी गली में ही एक भैया आए हुए थे, उन्होंने दिखाया कि इस तरह के मैं बनाता हूँ, तो हमें अच्छे लगे, तो आज वो कालीन बन के आ चुकी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। और बताइएगा कैसी बनी है कालीन, ये देखिए, एक ये है, एक ये है,
एक ये है और एक ये है, तो चार कालीन बन गई है। वैसे कलर बहुत कंट्रास्ट नहीं है इनका, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। इसको हम नीचे फर्श पे भी बिछा सकते हैं, और अगर हम बेड पे बिछाना चाहें तो बेड पे भी बिछा सकते हैं। तो सेवई का नाम सुन करके ना बच्चे खुश हो रखे हैं, क्योंकि सेवइयाँ बच्चों को बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, फटाफट बनाती हूँ खाना और देती हूँ, क्योंकि वैभव कह रहा मुझे नींद आ रही है, सुबह से उठा हुआ है, दिन में भी नहीं सोया था वो। अभी फ़िलहाल वो निहारिका दीदी के साथ पढ़ रहा है, उसका एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया है हिंदी, जो कि होगा मंडे को। उसके बाद वो भी थोड़े टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा देर पढ़ लो, फिर मैं बनाती हूँ फटाफट खाना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा खाना, और आज निहारिका की तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है, तो उनको खाना वाना खिला करके अंदर भेज दिया है। वो अपने अपने बिस्तर पे जा चुके हैं। वैभव ने भी कहा मम्मी मुझे नींद आ रही है, तो मैंने कहा जाओ तुम भी सो जाओ। लेकिन नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मेरे पास है बहुत सारा वर्क लोड। अभी किचन साफ़ करनी है, कपड़े फोल्ड करने हैं, और कल सुबह शायद सेकर पहुँचने वाले हैं। तो बताइए आप लोगों को कितनी भी नींद आ रही हो, जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं सो सकते हैं। वैसे कल संडे है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, संडे को आराम से उठूँगी। जब सारा काम अभी सेट होके रहेगा ना, फिर मैं संडे को आराम से उठूँगी सुबह। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर देते हैं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।